सिंहासन और इस सिंहासन में। फिल्म भूल भुलैया 3 देखने के बाद अधिकतर ऑडियंस और हमारे क्रिटिक्स तो हम साथ साथ है वाली बात कर रहे हैं। मतलब कि ये दोनों ही ओपिनियंस के मामले में ना एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और बस एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, वो है वेस्ट वेस्ट और वेस्ट। मतलब यहाँ तो बेस्ट होना चाहिए था ना गाइस, पर यहाँ अधिकतर वेस्ट ही निकल रहा है सबके मुंह से, क्योंकि भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली मंजुलिका यानी कि विद्या बालन को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया है। मतलब भूल भुलैया वाली मंजुलिका और ये मंजुलिका, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, इतना तो 10 से 12 साल के बच्चे को बिना आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा ऑडियंस का कहना है। और ऑडियंस और क्रिटिक साथ साथ ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी हीरोइन को लिया गया है इसमें, पर उसे अच्छा खासा काम भी निकलवाना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं किया? बल्कि उन्हें देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस फिल्म में लिया ही क्यों। और तृप्ति डिमरी वो इस फिल्म का हिस्सा है ये सुनकर उनके फैंस कितने क्रेजी हो गए थे, पर उनके लिए तो इस फिल्म में सही ढंग का ना तो काम है और ना ही उनका ड्रेसिंग सेंस इस फिल्म की कहानी और कैरेक्टर को मैच करने वाला है। मतलब उन्हें इस फिल्म में लेना ही वेस्ट हो चुका है। और विजय राज, संजय मिश्रा और राजपाल यादव को देखकर ऑडियंस ने 2 तालियां तो जरूर बजाई, क्योंकि यही लोग तो एक्टिंग के महारथी हैं। पर उनके लिए ऑडियंस को बुरा भी लगा और एक बंदे ने बोल दिया कि इन्हें तो अच्छे डायलॉग्स ही नहीं दिए गए हैं, तो इनका पोटेंशियल भी वेस्ट करवा दिया इन्होंने। वैसे इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी दिलचस्प तो दिखाई देती है, कहीं कहीं पर कुछ कुछ सीन्स हमारा अटेंशन खींच लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। स्पेशली क्लाइमेक्स वाला पार्ट बहुत ही अच्छा है और सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत फिल्म एंजॉय करने का फील भी आता है, पर फर्स्ट हाफ जो है वो बस भूमिका बनाने में ही लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्रिटिक्स भी नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये तो टोटल मूड ऑफ करने वाली बात हो गई यार। और ये देखते हुए ऑडियंस तो घड़ी के दौड़ने का इंतजार कर रही थी, ऐसा उन्होंने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए बताया है। तो वहीं कुछ फैंस ने तो ये तक बोल दिया कि डायरेक्टर अनीस बज्मी जी, हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, आपके कारण बिना ये शिप डूब गई है, अब आपको अपनी पिछली फिल्म में देखनी चाहिए। बाय द वे सब में कार्तिक आर्यन की बात तो रही गई जो कि फिल्म के लीड हीरो है। वैसे कार्तिक अपना काम सही तरीके से कर चुके हैं, जिस वजह से कुछ ऑडियंस का ये कहना है कि उन्होंने तो अक्षय कुमार की उन्हें याद दिला दी, मतलब पुरानी भूल भुलैया वाली वाइब्स देने की कोशिश तो वो कर रहे थे। चलो मतलब अक्षय कुमार फिल्म में ना होते हुए भी लोग उनकी वाइब्स तो आ गई, पर वहीं कुछ लोग ये कह रहे कि कार्तिक तो बहुत ही इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फिल्म एवरेज बन गई है और उनकी ओवर एक्टिंग को तो कुछ लोगों ने सलाम किया है। वैसे फिल्म क्रिटिक उमर संधू ने तो कार्तिक आर्यन को इस फिल्म में उनका काम देखकर वर्स्ट एक्टर बोला है, उन्हें ऐसा लगता है कि कार्तिक को अच्छे से मेहनत करनी चाहिए थी इस कैरेक्टर पर। वैसे भी फिल्म में कार्तिक आर्यन अपने पुराने अंदाज में ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ नया तो नहीं है, मतलब उन्हें कुछ फ्रेश देना चाहिए था पर वो तो वही रिपीट मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी लगा कि ये फिल्म जबरन बनाई गई है, इसलिए उन्होंने 5 में से 2.5 रेटिंग दी है इस फिल्म को। वैसे फिल्म के म्यूजिक पर यंग ऑडियंस ने ये रिएक्शन दिया है कि टी सीरीज वालों ध्यान से सुनिए, इस फिल्म का म्यूजिक ठीक है पर हम बार बार गुनगुनाए ऐसी कोई बात नहीं है, गाने कब दिमाग से गायब होते हैं पता भी नहीं चलता, तो थोड़ी और मेहनत कर लेते भाई। तो ऑडियंस और क्रिटिक्स इन दोनों को कुछ चीजें पसंद आई और फिल्म की बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें भी है। वैसे आप इस सबसे अग्री करते हैं या फिर नहीं, हमें कॉमेंट्स में बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850888.